हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं अंकिता ढाका वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे हिस्ट्री में हम लोग एंसियंट हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग नाइनटीन भारत की आजादी तक ही इस क्लास को सीमित नहीं रखेंगे 2020 के कोरोना वायरस फैलने तक इस क्लास को यानी वहां तक की जितनी घटनाएं हैं उन सभी को भी डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हिस्ट्री है ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी साथ ही मेरा मानना है कि एक आम नागरिक को भी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एक लाइन टैग की जाती है वन हु नोज द पास्ट कैन कंट्रोल द फ्यूचर तो इसी के साथ इतिहास की ये क्लास शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ तो इतिहास की परिभाषा से शुरू करते हैं क्लास को परिभाषा प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं प्रामाणिक स्रोत क्या क्या होंगे तो आर्कियोलॉजिकल शोर्स अर्थात स्थापत्य कला इसके अलावा लिटरेरी शोर्स अर्थात साहित्य साहित्य में हम हमारे वेद जो अथर्ववेद शाम यजुर्वेद हैं, उनको देख सकते हैं इसके अलावा कोइन यानी सिक्के इन तीनों के आधार पे जो अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान है वही इतिहास कहलाता है अर्थात आप चाहें कि आपके और हमारे जीवन की किसी घटना को हम इतिहास कह दें तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित हो और उसका क्रमबद्ध ज्ञान हो तभी वो चीज इतिहास में लिखी जाएगी पढ़ी जाएगी उसे इतिहास कहा जाएगा अब हम बात करते हैं इतिहास के जनक तो हैरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, हैरोडोटस को और भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को मेगास्थनीज वो राजदूत हैं जो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और उन्होंने भारत का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था इसीलिए भारतीय इतिहास का जनक मैगस्थनीज को कहा जाता है मैगस्थनीज इनकी पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए इंडिका जिसमें भारत का वर्णन है ठीक है अब लिपि के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है पहला प्रागेतिहास दूसरा आद्य इतिहास तीसरा इतिहास प्राग इतिहास काल के हमारे पास इन तीनों में से कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है अर्थात मानव का वो इवोल्यूशनरी फेस था जिसमें मानव जंगलों में रहता था इन तीनों सोर्सेज में से उसने कुछ भी हमारे लिए नहीं रखा नहीं छोड़ा पीछे अपने कि हम उसे इतिहास में पढ़ सके अर्थात इस काल का कोई भी शोर्स इन तीनों में से उपलब्ध हमारे पास नहीं है दूसरा आद्य इतिहास आद्य इतिहास काल का हमारे पास इन तीनों शोर्स में से तीनों ही शोर्स उपलब्ध हैं परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उनकी लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं तो इसलिए आद्य इतिहास के सोर्स तो उपलब्ध हैं हमारे पास परंतु उन्हें हम नहीं समझ पाए हैं अब बात करते हैं इतिहास की इतिहास को हमने अपने पढ़ने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि इसको पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही आसान हो जाए एंसियंट हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री अब इन तीनों इतिहास के इन तीनों काल को पढ़ने के लिए टाइम लाइन याद होना बहुत जरूरी है टाइम लाइन याद होना क्यों जरूरी है किसी भी विषय को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी पड़ती है जब तक आप उस विषय को स्ट्रक्चर के रूप में एक ढांचे के रूप में अपने दिमाग में नहीं बनाते हो तब तक आपके लिए वो विषय रुचिकर नहीं होगा तो टाइम लाइन का इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा है इतिहास को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा है और टाइम लाइन का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं बात करूं कि मुगल काल तो मुगलों का नाम लेते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए 1526 का पानीपत की प्रथम लड़ाई यानी पानीपत का प्रथम युद्ध आपके दिमाग में 1526 तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए ये होती है टाइमलाइन यानी ये कुछ की टाइप है जिसको आप याद रखते हो तो बाकी घटनाओं को उसके साथ जोड़ना कहानियों को उसके साथ साथ सुनना बहुत आसान और इतिहास बहुत रुचिकर लगने लग जाएगा तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इतिहास की टाइमलाइन और शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं बी सीई बिफोर कॉमन एरा इसे वर्तमान में बिफोर कॉमन एरा नाम दे दिया गया है पहले इसे बिफोर क्राइस्ट भी कहते थे ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं ढाई हजार साल से लेके पंद्रह सो साल कब ईस्वी पूर्व यानी बिफोर कॉमन एरा और ये काल किस चीज का था सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का ये काल हमने फाइंड आउट किया है कब जब अंग्रेजों के समय में भारत में रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई चल रही थी तो उसमें कुछ ईंटें निकल के बाहर आई तो फिर उसकी खुदाई तरीके से की गई और कुछ साइट्स हमें मिली मोहन हड़प्पा और फिर सिंधु नदी के किनारे बसी हुई पूरी सभ्यता को खोजा गया फिर उसके बाद में इसका समय काल निर्धारण शुरू किया गया तो पता चला कि ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी ढाई हजार से लेकर पंद्रह सौ साल पहले ईस्वी से पूर्व ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लेते ही जब भी दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता आए आपको ये एरा याद होना चाहिए कब से कब तक यही टाइमलाइन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने लिया जाए आपको उसका सन उसकी डेट उसका एरा याद होना चाहिए इसको याद करने में हो सकता है आपको वीडियो तीन चार बार देखना पड़े हो सकता है राइट डाउन करके बार 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 याद करना पड़े फिर भूलोगे फिर याद करोगे लेकिन आपकी एक हेल्प साथ में मैं ये करूंगी कि अभी हम टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद में जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में पढ़ेंगे फिर से यही टाइम लि टाइम लाइन आपको सॉरी टाइम लाइन आपको रिपीट की जाएगी तो आपको फिर रिवाइज होगी आपको इसके डिस्कशन में इसकी स्टोरी बताते समय इस काल की घटनाएं बताते समय फिर से ये सारी चीजें डिस्कस होंगी तो वो टाइम लाइन बार 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 उस समय उस काल का विवरण आपको दिया जाएगा तो वो याद रह जाएगा इस चीज को ज्यादा तनाव में मत लेना कि इतने सारी सन मैं याद कैसे करूंगा स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में ये लग सकता है कि टाइमलाइन को इस तरीके से याद थोड़ी की जा सकती है लेकिन यकीन मानी की जा सकती है और आप करोगे अब बात करते वैदिक काल की यहां पे आप देखते हो वैदिक काल में आप अपने चारों वेद अथर्व ऋग्वेद अथर्व वेद सामवेद यजुर्वेद पढ़ते हो ना इसको कब लिखा गया था ये कौन सा एरा था याद होना चाहिए वैदिक काल का समय था पंद्रह से लेकर हजार ईसवी पूर्व (BCE) कब से 1500 से लेकर के हजार ईसा पूर्व का जो समय था वो वेदिक काल का था इसमें चारों वेद लिखे गए थे बाद में जब हम वैदिक काल को डिस्कस करेंगे डेस्क्रिप्शन की बात आएगी तब हम इसे अर्ली वेदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि ऋग्वेद को कब लिखा गया था सामवेद को कब लिखा गया था यजुर्वेद में क्या चीजें थी और क्या लिखा गया था कब लिखा गया था ये सारी चीजें डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल सिंधु घाटी सभ्यता आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ढाई हजार साल से लेके पंद्रह ईसा पूर्व तक का समय काल दूसरी बात वैदिक काल नाम लेने के साथ पंद्रह से लेके हजार ईस्वी पूर्व का काल ठीक है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जो कि विश्व में खूब फैला और आप लोग बौद्ध धर्म को जानते भी हैं समझते भी हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध उनका जन्म कहां हुआ लुम्बिनी जो कि वर्तमान समय में नेपाल में ठीक है गौतम बुद्ध का जो समय है पांच ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था 483 तिरासी ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हुआ था ये याद होना चाहिए बौद्ध धर्म अपने आप में पढ़ने लायक इतना बड़ा धर्म है इतनी अच्छी चीजें उससे आप सीखते हो तो उस धर्म के संस्थापक और उसका जो काल था उसका जो समय था जो एरा था वो आपको याद होना चाहिए पांच ईसा पूर्व से लेकर के चार ईसा पूर्व तक का समय अब बात करते हैं महावीर जैन इस मुद्दे पे मैं आपको यह बता दूं कि बहुत जगह जैन धर्म को लेकर के और इसके टाइम पीरियड को लेकर के अलग अलग दिए गए हैं आपको यही याद रखना है महावीर जैन का जो समय था वो था 540 ईसा पूर्व से चार ईसा पूर्व तक का समय अब देखिए ये जो चार शुरुआत के कालक्रम किए ना सिंधु घाटी सभ्यता वेदिक काल गौतम बुद्ध महावीर जैन अच्छी बात यह है कि अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने इनका कालक्रम ना याद हो लेकिन इनके नाम याद थे सिंधु घाटी सभ्यता हर स्टूडेंट जानता है वेदिक काल हर स्टूडेंट जानता है इसी तरीके से गौतम बुद्ध और महावीर जैन आप सभी स्टूडेंट इन नामों से परिचित हो तो अच्छी बात यह है कि नाम आप परिचित हो आपको सिर्फ डेट और सन याद रखनी है कि इनका समय काल कौन सा था तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो ही गई है ठीक है दूसरा ये जो टाइम पीरियड है ये उसी तरीके से भारतीय इतिहास का यू टर्न है जिस तरीके से आप टेंथ के बाद में इलेवेंथ क्लास में सब्जेक्ट चूज करने के नाम पे आपकी लाइफ में यू टर्न आता है कि आप ये लेंगे तो ये बनेंगे आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आगे जाके ये बनेंगे तो इसी तरीके से वंश डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा कैसे आप सभी को पता है नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद और घनानंद के समय में सिकंदर एलेक्जेंडर जो विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा था यूरोप से एशिया महाद्वीप की तरफ और हर इलाका जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता आ रहा था चाणक्य को इस बात की भनक लगी कि आक्रमण होगा और ये नंदवंश शासक थे मगध में और मगध उस टाइम का बहुत ही समृद्ध जिसे आप प्रदेश कह सकते हैं एक समृद्ध और शक्तिशाली प्रदेश था मगध और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान समय का पटना अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा साथ साथ में कि इन एरियाज की जो हम बात कर रहे हैं ना कि मगध पाटलिपुत्र अब आपका दायित्व ये बनता है कि इतिहास पढ़ना है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है चीजें याद होनी चाहिए बहुत रुचिपूर्ण तरीके से मुझे हमेशा के लिए इतिहास ध्यान रहे तो आप इन एरियाज को ज्योग्राफिकली मैप में फाइंड आउट करोगे और उनको बार बार देखोगे कि ये एरिया कहाँ था वर्तमान समय के भारत के मैप में ये एरिया कहाँ आता है तो मगध पाटलिपुत्र ये तो मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद जिन्हें चाणक्य ने चेतावनी दे दी थी कि आक्रमण होगा लेकिन घनानंद ने इस चीज को तवज्जो ना देते हुए क्या किया चाणक्य को बेइज्जत करके अपने महल से निकाल दिया तो चाणक्य ने एक अच्छी भूमिका निभाई शासक बनाने की शासन करने की नहीं शासक बनाने की किसने चाणक्य ने और चाणक्य का नाम आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इस नाम से आप वाकिफ हो चाणक्य नंद वंश का अंतिम शासक तो 321 सौ ईसा पूर्व की ये बात हो रही है घनानंद अंतिम शासक हैं उन्होंने चाणक्य की बात नहीं मानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कब से कब तक किया 322 सौ ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है पहले सम्राट बनेंगे पहले शासक बनेंगे मगध के मौर्य वंश के पहले शासक और बनाने वाला कौन है चाणक्य अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश डिटेल में पढ़ते समय हम मौर्य वंश के सभी शासकों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप ये ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार शासक बने और उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था कभी डिटेल में आजीवक संप्रदाय के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये वो संप्रदाय जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आजीवक संप्रदाय अब बात करते हैं अशोका द ग्रेट अशोका द ग्रेट अशोका को डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे यहां पे मौर्य वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात इसलिए की जा रही है ताकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको ये याद रह सके कि वंश का शासन जो था वो था 322 से लेके एक ईसा पूर्व तक अब देखिए बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ जिनकी पुष्य मित्र सूंग ने हत्या करके सूंग वंश की स्थापना कर दी थी भारत में किसने पुष्य मित्र सूंग ने और भारत में स्थापना हो जाएगी किसकी और यहां पे भारत का मतलब आप ये भी देखेंगे कि मौर्य शासकों ने भारत के कितने हिस्से पर उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक कितने हिस्से पे शासन किया था उस समय में भारत का कितना एरिया उनके पास था यह आपका होमवर्क है पुष्य मित्र सूम ने हमने बात कर ली है एक ईसा पूर्व तक हम लोग आ चुके हैं और इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छह लोगों के बारे में छह वंशों के बारे में छह टाइमलाइन याद करवाने की कोशिश की है आप डेफिनेटली से बार बार रिवाइज करके याद जरूर करेंगे अब बात करते हैं नब्बे ईसा पूर्व की भारत पे शकों का आक्रमण होता है ये शक भारत में मध्य एशिया से आएंगे और आक्रमण करेंगे इसके बाद उन्होंने किन किन चीजों की स्थापना की कब तक वो भारत में टिके इस चीज का डिस्कशन होगा जब हम शक को पढ़ेंगे ठीक है अब बात करते हैं अठावन B.C.E. ये हमारे हिंदू वर्ष में भी जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं ना उसमें भी इंपॉर्टेंट संवत है क्यों क्योंकि यहां पे विक्रम संवत की शुरुआत होती है अठावन ईसा पूर्व से और ये शुरुआत करने वाला शासक कौन है विक्रमादित्य जो कि कहां पे है उज्जैन में और उज्जैन कहां पड़ता है एमपी में महादेव की नगरी है उज्जैन और उज्जैन में क्या है महाकाल ध्यान है ना महाकाल ठीक है विक्रमादित्य ने ये विक्रम संवत की शुरुआत की थी और अठावन ईसा पूर्व और इसे हम आपको बहुत बार एग्जाम में भी विक्रम संवत देकर के प्रेजेंट की डेट देकर के ईसवी पूछ ली जाती है तो आपको क्या करना होता है अठावन को प्लस या माइनस करके उस चीज का आंसर फाइंड आउट करना होता है ठीक है अठावन ईसा पूर्व शुरुआत हुई है विक्रम संवत की अब बात करते हैं सात वाहन जो कि एरिया आ गया है दक्कन का उत्तर भारत की बात नहीं हो रही है दक्कन के एरिया की बात हो रही है और आप लोग ये खुद से सर्च करेंगे कि दक्कन का एरिया कौन सा क्योंकि बार बार दक्कन के एरिया की बात आएगी जब तक हम मुगलों को भी पढ़ते रहेंगे तब तक क्योंकि ये वो एरिया था जो हमेशा ही किसी एक शासक के अंडर में लगातार नहीं रहा अलग अलग शासक आते रहे इस पे अपना कब्जा जमाते रहे और ये सबसे ज्यादा कहते ना डिस्टर्बेंस वाला एरिया रहा है कौन सा दक्कन का आप कुछ से फाइंड आउट करोगे दक्कन कहां पे है? सात वाहनों का साम्राज्य स्थापित होता है कब से कब तक 50 ईसा पूर्व इसे ध्यान रखना हम आगे ईस्वी में आ चुके हैं इस जगह पे 50 ईसा पूर्व से लेके 250 फिफ्टी ईस्वी तक की बात हो रही है यहां तक दक्कन के एरिया में सात वाहनों का शासन था अब एक इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको दक्षिण भारत का नाम लेते के साथ आपको पता होना चाहिए संगम काल ये दक्षिण भारत के लिए बहुत स्वर्णिम काल था इसमें वहां का बहुत सारा इतिहास बहुत लेखन साहित्य बहुत चीजें घटित हुई थी बहुत कुछ लिखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट एरा है ये वाला संगम काल कहां पे है दक्षिण भारत उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत दक्षिण भारत में संगम काल कब से कब तक है सौ से लेकर तीन सौ ईस्वी तक का काल यह है संगम काल अब बात करते हैं गुप्त वंश और आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री में और एनसीआरटी में जब आप पढ़ोगे एंसियंट हिस्ट्री को उसमें भी क्वेश्चन के रूप में भी दे रखा है और डिटेल में भी दे रखा है कि भारत का उस समय का स्वर्णिम काल किसके शासन में था तो गुप्तों के शासन काल में था गुप्त वंश जो था जिसने शासन किया वो भारत के लिए एक स्वर्णिम काल था गुप्त वंश तो एक भारत के लिए स्वर्णिम काल उसका एरा तो आपको पता होना ही चाहिए तो कब से कब तक है 320 से लेके 414 सौ ईस्वी तक गुप्त वंश कब से कब तक है 320 सौ ईस्वी से 414 सौ ईस्वी तक ये टाइम लाइन एक बार में याद नहीं होगी ये मत समझना मैं इंटरमिक्स कर रहा हूं मुझे याद नहीं हो रही एक बार में नहीं दो तीन बार बहुत धैर्य के साथ और बहुत खुशी के साथ इंटरनल खुशी होनी चाहिए कि मैं कुछ सीख पा रहा हूं मैं कुछ समझ पा रहा हूं मेरी समझ विकसित हो रही है एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये फ्रेम तो बन पा रहा है कि मुझे जो इतिहास पढ़ना है उसका ढांचा क्या है अब जब भी कभी बात होगी महावीर जैन आपके तुरंत स्ट्राइक करेगा अच्छा ये बात तो हो रही है पांच से लेके चार सौ ईसा पूर्व की तो उस टाइम में अगर कोई और भी घटना आपके सामने आएगी तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे उस घटना को कि अच्छा ईसा पूर्व जब महावीर जैन थे उनके समानांतर काल में ही ये घटना भी घटित हो रही थी तो चीजों को जब तक रिलेट करना नहीं आएगा विषय रुचिपूर्ण नहीं होगा ठीक है अब हमने बात कर ली है गुप्त वंश तक हर्ष का काल अब देखिए हर्षवर्धन जो कन्नौज कन्नौज पड़ता है यूपी में वर्तमान के यूपी में उत्तर प्रदेश हर्षवर्धन का काल जो है 606 से लेकर छह तक का है और याद रखना इसी काल में एक चीनी यात्री हेनसांग आप याद करते हो ना हेनसांग और फाइयान कब कब आए थे याद रखना हेनसांग हर्ष के काल में आए थे है से हैंसांग है से हर्ष है इसलिए फाइयान को इसमें बीच में मत घुसाना और हैंसांग कब आए हैं छह यानी एकदम छह के आसपास ही आए थे भारत के अंदर यानी हर्षवर्धन का जो काल है वो छह सौ ईस्वी तक है और इनके काल के समाप्त होने से पहले ही हेनसांग कहां गए हैं भारत में अब बात करते हैं चोल वंश की तो तंजोर में आठ ईस्वी से लेकर ग्यारह सो ईस्वी तक जिनका शासन था वो था चोल डायनेस्टी। चोल वंश का शासन था कब से कब तक आठ से ग्यारह सो ईस्वी तक एक चीज और सिर्फ एंसियंट हिस्ट्री में बोर हो सकते हो लग सकता है कि चीजें समझ से बाहर हो रही हैं, सन याद नहीं हो रहे मेडाइवल और जैसे जैसे मॉडर्न आएगा चीजें ऑटोमेटिक स्मूथ होती जाएंगी ऑटोमेटिक स्मूथ तो हार्ड वर्क सिर्फ कहां पे करना है इस पहले वीडियो पे और स्टूडेंट लाइफ में हो तो विवेकानंद को अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई कार्य कठिनाई से हो रहा है और आपको उसे करने में तनाव महसूस हो रहा है इसका मतलब आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो, हो सकता है मैंने एग्जैक्ट शब्द ना बोले हो लेकिन विवेकानंद के भाव को आप समझिए कि उन्होंने क्या कहना चाहा था अगर इनको याद करने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि नंद वंश कब से कब तक था नहीं एग्जाम के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश कब से कब तक था हम लोगों ने देख लिया है चोल डायनेस्टी तक जो तंजोर में है और आठ से ग्यारह सो ईस्वी तक है और अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिर सबको पता है एमपी में मध्य प्रदेश में क्या है खजुराहो के मंदिर और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और ये इतने खूबसूरत बने हुए हैं इनमें इतनी आर्ट इतना आर्किटेक्चर इतनी कला इतनी शानदार है कि देखिए इनको बनने में भी कितना समय लग रहा है 916 से लेकर 1203 सो ईस्वी तक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में साथ में मतलब मैंने सिर्फ आपको डायनेस्टी की ही टाइमलाइन नहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं भी घटित हुई हैं तो भी आपको बताया है जैसे विक्रम संवत पता होना चाहिए अठावन ईसा पूर्व पता होना चाहिए आपको कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब हुआ था हालांकि जब मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे चंदेल शासकों को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली हम खजुराहो के मंदिरों को डिस्कस करेंगे लेकिन आपको टाइमलाइन पहले से पता होनी चाहिए तो उस टाइम जब डिस्कशन होगा आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और मैंने कहा ना पहली क्लास आपको लग सकती है बोरिंग है उबाऊ है याद नहीं हो रहा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे चीजें इजी होती जाएंगी अब देखिए हम लोगों ने आक्रमण करवा दिया है भारत पे महमूद गजनी का कब से कब तक एक हजार से लेके एक हजार ईस्वी तक महमूद गजनी के आक्रमण काफी बार हुए हैं भारत पे आपको भी पता है ठीक है सत्ताईस सालों तक उन्होंने आक्रमण करते रहे हैं भारत पे सिर्फ लूट के लिए तो एक हजार से लेके एक हजार सत्ताईस तक महमूद गजनी के आक्रमण भारत पे हुए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम जो हमारी स्टार्ट होने जा रही है ग्यारह सो इक्यानवे तराइन का युद्ध क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बच्चे से लेकर बड़ा तक पृथ्वीराज चौहान को हर कोई जानता है है ना रुचि कर रहा है पृथ्वीराज चौहान उनकी लव स्टोरी बहुत रुचि कर रही है ठीक है कैसे दिल्ली में उनका ननिहाल था कैसे संयोगिता थी उन चीजों को आज डिस्कस नहीं करेंगे हमारा टारगेट है टाइमलाइन को डिस्कस करना तो हम आगे ग्यारह सो इक्यानवे पे आते हैं तो ग्यारह सो इक्यानवे तराइन प्रथम तराइन का युद्ध आप लोगों को पता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला युद्ध तराइन का हुआ ये तराइन इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि तराइन नामक जगह पे ये हुआ था अब ढूंढना तराइन कहाँ है तो ग्यारह सो इक्यानवे में मोहम्मद गोरी तराइन फर्स्ट में डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को और मोहम्मद गौरी वापस आकर के ग्यारह बानवे में, में फिर से युद्ध करता है और इस बार डिफीट मिलती है पृथ्वीराज चौहान को इतिहासकार कहते भी हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन प्रथम में उसका पीछा करके मोहम्मद गोरी को डिफीट नहीं किया या मार नहीं दिया इसीलिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और हमारे यहां उसके बाद में इतिहास में सल्तनत काल शुरू होगा है ना तो अगर तराइन प्रथम में ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता युद्ध में हरा देता तो हो सकता था कि भारत के इतिहास का सिनेरियो आज कुछ और पढ़ रहे होते हम लेकिन जो भी है ग्यारह सो इक्यानवे में आपको याद रखना है तराइन प्रथम ग्यारह सो बानवे में तराइन सेकंड अब बात करते हैं सल्तनत काल की क्योंकि भारत में अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बारह सो छह में दिल्ली की सल्तनत को संभाल लिया मोहम्मद गोरी के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मोहम्मद गोरी की पंजाब सूबे में हत्या हो जाती है तराइन सेकंड युद्ध जीतने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो पंजाब सूबे के पास उसकी हत्या हो जाती है और उन्हीं का गुलाम कुतुबुद्दीन एबक 1206 में आकर के दिल्ली की सल्तनत को संभालते हैं और क्योंकि उन्होंने खुद को गुलाम बताया था कभी शासक का दर्जा नहीं लिया था इसीलिए इस काल को सल्तनत काल गुलाम वंश हम कहते हैं और इसकी स्थापना कब से है तो टाइमलाइन जो हम याद कर रहे हैं जिस पर्पज से याद कर रहे हैं तो आपको 1206 सल्तनत काल गुलाम वंश की स्थापना ये लाइन याद होनी चाहिए 1206 सल्तनत काल की शुरुआत सबसे पहले कौन राजशासक है यहां पे कुतुबुद्दीन एबक उसके बाद कौन है इलतुतमस और कुतुबुद्दीन एबक याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन एबक ने ही शुरू करवाया था अर्थात गुलाम वंश की जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन एबक उसी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था देखो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन एबक सिमिलरिटी है ना याद रह जाएगा कुतुबुद्दीन एबक के बाद शासक बनता है इल्तुत्मिस। और और के बाद उसी की बेटी रजिया सुल्तान और आपको भी पता है कि रजिया को बटिंडा में किस तरीके से उसी के लोगों ने घेर लिया था उससे सल्तनत छीन ली गई थी उसके बाद शासन करने के लिए आते हैं बलबन और बलबन की एक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है लोह रक्त की नीति जिसके तहत जो शत्रु है उसे पूर्णतया खत्म कर दो अर्थात हत्या ही कर दो छोड़ो मत माफी मत दो ये थी लो रक्त की नीति जो किसने अपनाई थी बलबन ने लोगों को हमेशा उनके काम से याद किया जाता है अगर आपको काम ध्यान रह जाते हैं तो उनके नाम भी याद रह जाते हैं तो बलबन क्यों याद रखना है आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे याद रहेंगे आपको पता है बलबन के बाद स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आप टाइम टाइमलाइन याद रखो और मेरा मानना यह है कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जैसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी जी के टी एस एल और इसको आप याद रखोगे कब से कब तक 1206 से लेकर के 1526 जब तक बाबर मुगलों के द्वारा बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीत नहीं लिया जाता और दिल्ली में मुगलों का शासन स्थापित नहीं हो जाता तब तक के लिए ट्रिक क्या है आपके लिए जी के टी एस एल गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी और टाइमलाइन में सिर्फ इतना याद रखिए कि 1206 से लेकर के 1526 सो, सो कहां से कहां तक 1206 से 1526 और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मुगल मुगल नाम आते ही 1526 आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए ये डेट ये सन स्ट्राइक करनी चाहिए और उसके बाद बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर साजा और औरंगजेब ये तो थे मुगलों के वो शासक जिन्होंने अपनी शक्ति का अच्छा खासा प्रदर्शन किया अर्थात मुगल स्ट्रांग रहे इनके टाइम पीरियड में इसके बाद मुगल शासन रहेगा उसके कुछ ऐसे शासक भी आएंगे जो बहुत कमजोर दिखेंगे आपको उनके काम उनका शासन उनके शासन चलाने का तरीका सारी चीजें बहुत इन द सेंस की मुगल धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे कब के बाद में 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो टाइम लाइन में इम्पोर्टेंट चीज हालांकि मैंने लिखी बहुत सारी चीजें पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीधे याद रखनी है जो कि आपको सीधे कहां ले आएंगी मुगलों तक 1206 से 1526 गुलाम वंश 1526 से लेकर के 1707 ये वो टाइम पीरियड है जिसमें मुगलों ने अपना शासन बहुत बेहतर तरीके से चलाया था और इसमें कौन कौन आ गए हैं बाबर हुमायूं अकबर अकबर के बाद जहांगीर जहांगीर के बाद साजा और देन औरंगजेब तो ये आपको याद रखना है और आप कहां तक पहुंच गए हो सत्रह सात तक इनके काम इन्होंने क्या क्या किया भारत में कब कब इन्होंने अपना शासन क्षेत्र और बढ़ाने के प्रयास किए किस किस से युद्ध किए ये सारी चीजें जब मुगल डायनेस्टी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डिटेल में चीजें आएंगी अब देखो ये बात चल रही है लगभग उत्तर भारत की क्योंकि आपको पता है दिल्ली में शासक बैठा है और दिल्ली के आसपास का जितना एरिया है वो उसकी टेरिटरी में आता है बाकी टेरिटरी उसे धीरे धीरे जीतनी पड़ेंगी। अर्थात दक्षिण भारत की बात चलने करें तो वो वहां कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है क्या चल रहा है इक्वल टाइम पीरियड में यानी उसी समय काल में जब उत्तर भारत में मुगल शासन कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा है थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं 1336 ये वो सन है जब हमारे गुलाम वंश चल रहा है उत्तर भारत में और दक्षिण में 1336 में किसकी स्थापना हो गई है एक बहुत ही समृद्धशाली टेरिटरी जिसने काफी लंबे समय तक शासन किया विजयनगर की स्थापना और हमेशा याद रखना यूपीएससी एसएससी या जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर आपकी समझ से विदाउट एनी फैक्ट पूछे अगर आपकी समझ से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपके नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक पैटर्न हमेशा देखोगे कि विजयनगर से हमेशा क्वेश्चन पुट होता है विजयनगर का जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया तो गांधी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ये आपको भी पता होता है अगर आपने गांधी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है आप क्वेश्चन हिट कर ले जाओगे इसीलिए बार बार हर टीचर ये कहता रहता है कि आप स्मार्ट स्टडी करो ये दो स्मार्ट स्टडी का है तो स्मार्ट स्टडी कोई ऐसी नहीं है कि आपने बस एक किताब उठा ली पढ़ ली बस यही स्मार्ट स्टडी है नहीं स्मार्ट स्टडी का भी अपना एक तरीका होता है कि आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देख पा रहे हो उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या पूछा जा रहा है किस तरीके से पूछा जा रहा है तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप कैच कर ले जाते हो तो एग्जाम आप ही के हाथ में होता है और आपको पता होता है लगभग कि क्वेश्चन कहाँ से कैसा पुट होने वाला है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं विजयनगर की 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कर दी है हरिहर और बुक्का अब देखिए विजयनगर में एक शासक कृष्णदेव राय प्रथम जिन्होंने विजयनगर के साम्राज्य में एक चार चांद लगा दिए इन द सेंस वो शक्तिशाली था वो समृद्ध था उसे और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया कृष्णदेव राय इन्हें भी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे जब हम विजयनगर को पढ़ रहे होंगे दक्षिण भारत में अब बात करते हैं कि हमें पता है कब से कब तक मुगल शासन चला 1526 से 1707 लेकिन क्या इस बीच में भारत में कुछ और घटनाएं नहीं घटित होंगी सिर्फ मुगलों का शासन शांति से चलता रहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक घटना के समानांतर दूसरी घटना भी हो रही है उन्ही घटनाओं में जब वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 1200 सो ईस्वी के आसपास ओटोमन साम्राज्य ने ये जो टर्की से होते हुए जो रास्ता एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो रास्ता था इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया अर्थात जो सिल्क रूट हम पढ़ते हैं जो व्यापार हम देखते हैं जो प्राचीन भारत से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और कहां तक 1200 सौ ईस्वी तक वो व्यापार कंटिन्यू भारत से चल रहा था यूरोप का एशिया से व्यापार कंटिन्यू चल रहा था और भारत का भी बाकी यूरोप से व्यापार चल रहा था लेकिन इस बीच में ओटोमन साम्राज्य ने क्योंकि वो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध कर दिए तो कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को व्यापार में बाधा आने लगी और उन्होंने इसीलिए जलीय मार्गों की खोज शुरू की और इसी खोज एक खोज का परिणाम यह हुआ कि चौदह सौ में, में जलीय मार्ग को खोजते खोजते वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह भारत तक पहुंच गए अब बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है वास्को डिगामा ने भारत को खोज लिया अरे भाई भारत कोई खोया हुआ थोड़ी था कि उसे कोई खोज निकाला या कहीं दबा हुआ थोड़ी था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की तरह कि उसे खोद के निकाल डाला होना लाइन ये होनी चाहिए ना कि वास्को डिगामा ने भारत आने का जलीय मार्ग खोज लिया था लेकिन जनरली हर किसी को आप देखते होंगे भारत को वास्को डिगामा ने खोजा कब खोजा चौदह में, में खोजा अरे भाई थोड़ा तो थो खुद को करेक्ट कीजिए ठीक है चौदह में में वास्को डिगामा भारत आ जाते हैं उन्हें जलीय मार्ग का पता चल जाता है अब जब यूरोप का इंटेंशन ही ये था कि हमें व्यापार करना है और उसी के लिए वो खोज जारी कर चल रही थी उनकी खोज कि जलीय मार्ग खोज लिए जाएं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपके समझने के लिए कि अब भारत में यूरोप की कंपनियां व्यापार के लिए आएंगी क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जलीय मार्ग खोज लिया है अब देखिए चौदह सो इठानवे में वासको डिगामा आते हैं और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पंद्रह मात्र पांच साल बाद यूरोप की एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है सोचिए वो कितने हार्ड एंड फास्ट है आज के जमाने में भी हमें अपनी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है व्यापार करने के लिए कुछ नया सेटअप लगाने के लिए सोचो वो तो इतने कहते हैं ना सात समुन्द्र पार से आ रहे थे और पांच विद इन फाइव ईयर्स तो वो आ गए हैं व्यापार करने के लिए और जब हम मुगलों को पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि कब कब सर टॉम्स रो सबसे पहले कैसे आए थे कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ आजादी चाहिए कि वो कंपनी यहां आके व्यापार कर ले यानी समकालीन उसी समय में क्या चल रहा है मुगल हमारे यहां शासन कर रहे हैं यूरोप की कंपनियां ये कोशिश कर रही हैं कि हम उन्हें इजी वे में व्यापार करने दें यानी जिस तरीके से आज से पहले मोदी गवर्नमेंट आने से पहले भारत में तब भी ट्रेड होता था लेकिन ईज नहीं थी उसमें और अभी की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कमर्शियल के लिए कमर्शियल यानी व्यापार करने के लिए ट्रेड करने के लिए ईज कर दी है चीजों को है ना यानी बहुत सारे नियम कानूनों में सहूलियत दे दी है कम कर दी है वन विंडो लागू कर दिया है ठीक है तो उसी तरीके से वो लोग भी चाहते थे कि भाई हम व्यापार करने आ रहे हैं तो आप लोग हमें थोड़ी सी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दो कि कोई हमें लूटे ना यहाँ पे क्योंकि ये है तो आखिर कन्नौन देश हमारे लिए तो व्यापारिक लोगों को और क्या चाहिए व्यापारिक कंपनी स्थापित करनी है उन्हें उन्हें यहाँ के शासक द्वारा कुछ मदद चाहिए थी इसीलिए वो बार बार आप पढ़ोगे इतिहास में कि जहांगीर के भी दरबार में पहुंचे अकबर के भी दरबार में कौन कौन पहुंचे थे इसके अलावा अब देखिए पंद्रह सो तीन में यहां पे साउथ में पहली जो थी वो कोची में इन्होंने स्थापित की थी आकर के कोची में 1503 में एक कोठी स्थापित हो चुकी है व्यापार करने के लिए ठीक है इसके बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आपको याद रखना है कि चौदह में, में वास्को डिगामा भारत आए थे पंद्रह बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो अकबर ने लड़ी है क्योंकि मैंने बता चुकी हूं कि 1526 की लड़ाई के बाद ही तो बाबर का यहां पे शासन स्थापित हुआ था भारत में 1526 और स्टोरी यह है कि 1526 से 1530 सो चार साल के शासन के बाद बाबर की हो जाती है मृत्यु और हुमायूं उस शासन को उस बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाते बाबर बाबर जो टेरिटरी छोड़ के गए थे हुमायूं उसे कैरी ऑन नहीं कर पाए और हुमायूं को यहां से भागना भी पड़ता है वो शरण भी लेते हैं वो अफगानिस्तान की तरफ लौट जाते हैं उसके बाद ये टेरिटरी वापस स्थापित करने में सफल होते हैं अकबर अकबर कैसे सफल होते हैं पंद्रह में पानीपत की दूसरी लड़ाई के द्वारा पंद्रह में पानीपत सेकेंड वॉर होता है और अकबर वापस अपनी टेरिटरी स्थापित कर लेते हैं दिल्ली का शासन संभाल लेते हैं और 1556 से 1707 तक अकबर जहांगीर और औरंगजेब ने शासन किया ठीक है अब बात आ गई है 1707 तक के मुगलों के बहुत अच्छे तरीके से शासन संभालने की और धीरे धीरे मैंने कहा मुगल कमजोर होते गए 1707 के बाद सत्रह में नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 सो ईस्वी में भारत आई थी और इसको बहुत सारे लोग पंद्रह सौ निन्यानवे भी बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको लेकिन 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी आप समझ सकते हैं सत्रह तक उन्होंने अपने काफी पैर यहां जमा लिए थे भारत में लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अंग्रेज अभी तक भारत में अपने कदम नहीं जमा पाए थे अब देखिए सत्रह नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है पैरेलल में व्यापारिक कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि मुगल कमजोर हो चुके हैं क्या अब इस युद्ध ने यह एक निर्णायक युद्ध इसलिए था कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बतला दिया कि मुगल शासन कमजोर हो चुका है किसने बतलाया नादिर शाह के भारत पे आक्रमण ने क्योंकि मुगलों ने इस आक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए अब सत्रह से सत्रह यहां तक अंग्रेजों ने कोई भी छेड़छाड़ क्यों नहीं की दिल्ली के शासन के साथ या यहां पर राजनीतिक रूप से खुद को जमाने के लिए उन्होंने क्यों प्रयास नहीं किए इसके पीछे एक अच्छा रीजन ये है कि कर्नाटक युद्ध होते रहे 1746 से सत्रह के मध्य और ये युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध है तो आप ये मत समझना कि इसमें कोई भारतीय शासक इन्वॉल्व है नहीं ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के झगड़े की वजह से ये युद्ध हर उस कॉलोनियल स्टेट में हुए जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन दोनों या तो व्यापार कर रहे थे या उनकी कॉलोनी थी अर्थात भारत से बाहर भी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे कौन से टाइम पीरियड में 1746 से सत्रह के मध्य और वो भारत में भी लड़ रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस और इसी को नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध और ये तीन युद्ध हुए थे ठीक है अब देखिए सत्रह से आ गया है 1757। और यहां तक डिस्टर्बेंस चल रहा था फ्रांसीसियों का इसी वजह से अंग्रेजों ने बहुत बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दिया भारत के ऊपर अब देखिए सत्रह में पलासी का युद्ध होगा और ये युद्ध बंगाल का नवाब है सिराजू दोला और ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के मध्य ये युद्ध होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी सिराजू दोला की हार होती है और बंगाल सिराजू के हाथ से निकल जाएगा और बंगाल पे शासन किसका स्थापित हो जाएगा कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी और ये किसके कारण हुआ कि नादिर शाह के भारत पे आक्रमण जो सत्रह में हुआ उसने अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये हिंट दे दिया था कि अब मुगल शासन कमजोर हो चुका है उस पर वार किया जा सकता है और पलासी युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अब व्यापार ही नहीं राजनीतिक रूप से भी भारत पे शासन कर सकते हैं वो भी इतने सक्षम हो चुके हैं अब देखिए फ्रांस से इसकी लड़ाई चली रही थी ब्रिटेन की 1760 में एक निर्णायक युद्ध होगा फ्रांस हार जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी इस युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ के एरियाज को भी अपनी टेरिटरी में ले लिया अब देखिए फ्रांस ने इंडिया में अब और कोई हलचल ना मचाने का सोचा अर्थात फ्रांस ने ये मान लिया कि ब्रिटेन हमें यहां जीतने नहीं देगा अब देखिए इन्हीं सब के बीच सत्रह सो चौरासी ये इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है क्योंकि इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे सत्रह सो चौरासी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होगी क्योंकि आपको पता है कि मंगलोर जो जगह है और मैसूर जो हम पढ़ते हैं टेरिटरी मैसूर वहां पे शासक कौन है टीपू सुल्तान और उससे पहले टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली अब हैदर अली और टीपू सुल्तान क्योंकि उनका मानना यह था कि अंग्रेज हम पे शासन क्यों करेंगे क्योंकि वो खुद भी शासक थे और एक शासक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा शासक आके मुझे पे शासन करे तो इनकी लड़ाई हमेशा से अंग्रेजों से चलती रही और टीपू सुल्तान सत्रह सु में अंग्रेजों के बीच संधि हो जाती है अब दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है पिट्स इंडिया एक्ट और ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान ने संधि कर ली तो अब वो अंग्रेजों के सामने अपने हथियार ही डाल देंगे नहीं जब जब उन्हें मौका मिलेगा वो फिर से हथियार उठाएंगे फिर से लड़ाई होंगी आप देखोगे कि सत्रह सो जब तक टीपू सुल्तान की मौत नहीं हो जाती मैसूर का चौथा युद्ध यहां पे जाके टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है सत्रह में तब तक वो अंग्रेजों के साथ चार बार लोहा ले चुके हैं हारे या जीते ये बाद की बात है लेकिन मैसूर युद्ध के नाम पे चार युद्ध हुए थे भारत में और चारों में अंग्रेजों की जीत हुई थी ऑब्वियस सी बात है और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है अच्छा सत्रह में दूसरा महत्वपूर्ण काम पिट्स इंडिया एक्ट का आना और तीसरा इंपॉर्टेंट काम पिट्स इंडिया एक्ट क्या है इसमें क्या प्रावधान किए गए थे भारत के लिए क्या प्रावधान थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए क्या प्रावधान थे ये सारे डिटेल में जब हम एक्ट पढ़ेंगे टोटल तब बात करेंगे तीसरा महत्वपूर्ण काम सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जब आप कोई बहुत अव्वल दर्जे का कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे कोई सामान्य एग्जाम दे रहे हैं रेलवे हो गया या कुछ भी और तो उस समय क्या होता है बहुत बार सीधे फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है मैं यूपीएससी और एसएससी की बात नहीं कर रही हूं उन्होंने अपना लेवल कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा रखा है प्रेजेंट में मैं बात कर रही हूं उसके अलावा एग्जाम्स की तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी पढ़ चुके हैं अब क्या करें तो सोचो जब बंगाल का युद्ध ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता ही सत्रह में तो सोच के देखो सत्रह से पहले तो कुछ बंगाल के अंदर अंग्रेज वैसे भी नहीं कर पाएंगे अर्थात सत्रह सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर आपको टाइमलाइन याद रहती है तो बहुत बार एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप अपना राइट ऑप्शन एग्जाम में चूज कर सकते हैं इसलिए आपको टाइमलाइन याद होना बेहद जरूरी है धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस क्लास को फिनिश करने पे आएंगे ना आपको इस टाइमलाइन की इम्पोर्टेंस एक्चुअल में पता चल जाएगी और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप इस क्लास को बार 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 देख करके एटलीस्ट जितनी टाइम लाइन पचास साठ सत्तर जितने भी सन मैं आपको इसमें याद करवा रही हूं एटलीस्ट उतने आपको याद होंगे और ये मैं फिर उम्मीद और दावा कर सकती हूं कि उसके बाद मैं ये कह पाऊंगी कि हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फॉर्म हो चुका है अब आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं ठीक है अब देखिए सत्रह में, में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ टीपू सुल्तान की यहां पे मृत्यु हो जाएगी 1803 से भारत में इतनी छोटी छोटी टेरिटरी भी बनी हुई थी दक्षिण भारत में कि जैसे जिस विजयनगर की स्थापना हमने देखी वो टूट जाएगा तो छोटी छोटी टेरिटरी बनेंगी जो बहमनी साम्राज्य हम देखते हैं बहुत समृद्धशाली साम्राज्य था टूटा तो अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा बीदर बरार ये सब आप समझते हैं कि छोटी छोटी टेरिटरी बन जाती है अब देखिए अंग्रेजों से युद्ध और लोहा लेने में सिर्फ टीपू सुल्तान या मैसूर की भूमिका नहीं है मराठे भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहेंगे कंटिन्यू अब देखिए 1803 से 1805 में सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है अर्थात 1775 से सत्रह पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका है आप इन युद्ध को एक अलग कैटेगरी बना करके आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध कर्नाटक युद्ध कितने हुए कब कब हुए बार बार रिवाइज करते रहिए तो आपको याद हो जाएंगे अब देखिए अठारह में दो इम्पोर्टेंट काम होंगे पहला इम्पोर्टेंट काम सबको याद रहता है और दूसरा बहुत कम लोगों को ध्यान होगा जिन्होंने बहुत डीप में बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया होगा उन्हीं को दूसरे वाला फैक्ट पता होगा पहला फैक्ट क्या है बम्बई बॉम्बे उस टाइम बॉम्बे बॉम्बे के बहुत नाम बदले गए हैं मुंबई बॉम्बे बॉम्बे बम्बई तो बॉम्बे टू थाना रेलवे चली अठारह में ये फैक्ट लगभग सबको ध्यान है दूसरा फैक्ट क्या है कलकत्ता से लेकर के आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का विकास हो गया अर्थात पहली टेलीग्राफ लाइन डाल दी गई कलकत्ता टू आगरा अंग्रेज देखो अपनी शासन को स्थापित करने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम करेंगे और हमें लगेगा हमें वो बताएंगे कि ये काम इसलिए किया गया है ताकि हम भारतीयों को सिविलाइज्ड कर सके व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे अंग्रेज हम हमारे दिमाग पे इस बात को लेकर के हावी हो गए थे कि हम आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं आप सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं और असभ्य लोग हैं हम सभ्य लोग हैं और हम आपको सभ्यता सिखाएंगे जो हमारी सभ्यता जिस पे हमें बहुत गर्व है इतने हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता और उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया डेढ़ सौ दो सौ सालों में कि आज तक हम उस चीज से उबर नहीं पाए हैं क्यों हमें लगता है कि इंग्लिश बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी बोलना कम इंपॉर्टेंट है इसीलिए ना क्योंकि 200 सालों में बहुत तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया गया है कि हमें दूसरों की चीजें यूरोप की चीजें वहां के लोगों का रहन सहन पहनावा खान पान हर चीज अट्रैक्ट करता है और हमें हमारी सभ्यता की चीजें अट्रैक्ट नहीं करती तो ये हमारी और आपकी गलती नहीं है ये अंग्रेजों की गलती है जो उन्होंने दो सालों तक लगातार वो कर ही रहे थे ठीक है कलकत्ता टू आगरा ये याद रखना क्योंकि पहला फैक्ट आपको याद है बॉम्बे टू थाना रेलवे दूसरा कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन अब बात करते हैं अठारह जिससे हर तो कोई स्टूडेंट वाकिफ है 10 मई से क्रांति शुरू हुई थी अट्ठारह की और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है अट्ठारह की क्रांति तो ये तो डेफिनेटली मैं हो सकता है कि एंसियंट हिस्ट्री की बजाय कुछ टॉपिक क्योंकि मेरा ये भी तो मकसद है ना कि आप लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते रहे जो मैं डालू जो मैं मेहनत कर रही हूं तो ये इन सब से थोड़ा सा उबाऊपन आ सकता है तो मैं एक या दो इंटरेस्टिंग वीडियो डेफिनेटली तुरंत ही डालूंगी किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या तो सुभाष चंद्र बोस ताकि आप में थोड़ा जोर शोर आ जाए भगत सिंह कि आप में क्रांति लाने के लिए कि हिस्ट्री में अब क्रांति ला देनी है तो ऐसा कुछ फील करें आप लोग इसलिए जल्दी एक छोटा वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे बनाकर डेफिनेटली डालूंगी अब देखो अठारह की क्रांति जो आपको पता है कि दस मई अठारह से क्रांति शुरू हुई थी और हम इसमें यह नहीं कह सकते कि हम भारतीय अठारह की क्रांति में विफल हो गए थे ये कहना थोड़ा सा न्यायोचित नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें अपनी जान तक दे दी थी तो अठारह की क्रांति कम सफल रही क्योंकि हम उतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए और वो लोग बहुत प्लानिंग के तहत और देखिए अंग्रेज क्लेवर भी थे और कनिंग भी थे दोनों थे दिमाग से भी खेलते थे और अपनी भावनाओं से भी खेलते थे तो भारतीयों में उस समय तक कनिंगनेस क्लेवरनेस नहीं थी इसीलिए शायद हम लोग डिफीट फील कर ले गए 1857 की क्रांति के असफल होने के ये कारण हैं। तो आगे की टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। 1857 की क्रांति तक हम लोग देख चुके हैं कि अठारह की क्रांति को इसलिए भी असफल विफल कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इस क्रांति ने ब्रिटेन की संसद तक ये बात पहुंचा दी कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन या उनका व्यापार उतना सहज रूप से नहीं चल सकता जितना अभी तक चल रहा था और यह गूंज ब्रिटेन तक गूंजी कि भारत में अठारह की क्रांति कैसी थी अब देखिए परिणाम ये हुआ अठारह की क्रांति का कि अठारह में अठारह के अंदर भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंडर में चला गया अर्थात अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होता था वही डिसीजन लेता था और वही कंपनी हम पे शासन कर रही थी और अब हमारा शासन चला गया है ब्रिटेन की महारानी के अंडर में अर्थात ब्रिटेन में उस समय भी पार्लियामेंट थी और महारानी का क्राउन भी तो पार्लियामेंट के थ्रू अब हमारा भारत पे शासन चलेगा अंग्रेजों के द्वारा और अब अंग्रेज किसी भी एक्ट को लाने के लिए पहले उन्हें ब्रिटेन की संसद में उसे पास करवाना पड़ेगा अर्थात हमारा एक प्रतिनिधि जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसे हम सचिव कहेंगे वो बैठेगा ब्रिटेन की संसद में और वायसराय जो यहां पे सारे कामों को देखेगा ब्रिटेन के शासन को संभालेगा वो वायसराय रहेगा भारत के अंदर अर्थात अठारह में हम प्रॉपर मैनर में ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए थे भारत अब ब्रिटेन के अधीन था अब देखिए 1861 में क्योंकि अंग्रेज बहुत प्लानिंग के तहत और बहुत सटीक तरीके से और कागजी कामों में तो उनका कुछ कहना ही नहीं था तो इस तरीके से उनका काम चलता था तो आप देखिए कि तुरंत 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हो जाएगा और ये एक्ट पास कहा होगा ब्रिटेन की संसद में लागू कहां होगा भारत में तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया है दूसरी चीज अंग्रेजों ने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी है आपको ये याद रखना है कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई है तो आप देखोगे कि 1921 आते आते जब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिलेंगी तो उनपे कितने बेहतर तरीके से भारतीय भी और अंग्रेज अधिकारी भी काम करेंगे किसके तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत तीसरा अच्छा काम क्या हुआ कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बन गया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भारतीयों के लिए नहीं बनाया गया था अंग्रेज अधिकारी जो आप अभी वर्तमान में आईएएस जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है ये परीक्षा देखते हैं जिससे एक कलेक्टर बनता है आईपीएस बनते हैं आईएफएस बनते हैं ठीक उसी तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत एक अधिकारी चुनकर आएगा इस परीक्षा को ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता था और बहुत लंबे समय तक ये ब्रिटेन में ही ये एग्जाम कंडक्ट होता था और फिर ये इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत चुने गए अधिकारी भारत में आकर के अपना कार्यभार संभालते थे तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया आपको याद भी होना चाहिए 1861 में अब बात आ जाती है अठारह ऐसा नहीं है कि अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले गए हैं तो जो भी काम भारत में होगा वो सारे ब्रिटेन के लोग ही करेंगे या ब्रिटिश लोग ही करेंगे ऐसा नहीं था भारतीय भी जो हमारे समाज सुधारक थे जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था जो सेंसिबल था जो एजुकेटेड था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडिया के तब तक एजुकेशन का लेवल इतना था ही नहीं कि काम आम आदमी एजुकेटेड हो पाए यानी एक वर्ग ही पढ़ा लिखा था तो उस वर्ग के लोगों ने भी काम करना शुरू किया कर दिया था अब देखिए काम क्या किया था अठारह में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करेंगे कारण क्या है दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमें वेदों की ओर लोटो ये उन्होंने नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटो क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं जो हम पे शासन कर रहे हैं ये अपनी सभ्यता को हमें भुला देंगे अर्थार्थ भारतीय लोग भारतीय सभ्यता को ना भूल जाएं और हम लोग ब्रिटेन की तरह वहां के लोगों की तरह आचार और विचार ना अपना लें ऐसा उनका विचार था और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने कब की अठारह के अंदर ये वैसे भी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी अब बात आती है अठारह इसके बीच में भी बहुत कुछ घटित हुआ था जो कि मॉडर्न इंडिया की डिस्कस जो हम क्लास पूरी करेंगे डिटेल में उसमें हम बात करेंगे विचार करेंगे तो अठारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ये बात बहुत जगह सिद्ध होती है जैसे अभी तक हमें किसी भी संगठन की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही थी जैसे ही अठारह की क्रांति अन तरीके से हुई तो भारतीयों को भी लगने लगा कि हमें भी हमारे कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा हम क्रांति कर रहे हैं हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसे ऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा तो इसके लिए क्या चाहिए संगठन और आपको पता है जब हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे तो संगठन बनाने का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट right में भी दे रखा है उसे भी डिस्कस करेंगे तो इंडियन नेशनल काउंसिल बनाना कोई हमारे लिए ऐसा नहीं था कि हमें बनाने का कोई शौक आ रखा था या हमें अच्छा लगेगा एक सोसाइटी या एक ऐसा संगठन बना ले नहीं वो उस समय की हमारी आवश्यकता थी कि हमारा भी ऐसा संगठन हो जो अंग्रेजों से सीधे बात कर सके अपने जो आवश्यकताएं हैं या हम जिन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं हम जो सुधार चाह रहे हैं उनको हम उन्हें बता सके क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों में ये भी था कि अंग्रेज जो हैं वो अगर एक मैनर के अंदर उनसे कुछ बात मनवाई जाए तो वो मान लेते हैं और इस चीज पे प्रैक्टिस भी करेंगे कौन महात्मा गांधी कि अंग्रेजों से लड़ो तरीके से लड़ो तो वो आपकी बात सुनेंगे भी अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई अठारह सौ पिचासी 1885 में आपको याद होना चाहिए कि भारत का वायसराय उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल जिसे हम कहेंगे डफरिन देखो डफरिन याद रखना इसलिए भी इजी है क्योंकि मैंने भी इसे इस तरीके से ही याद किया था क्योंकि हमें बहुत सारे वायसराय या यहाँ के गवर्नर जनरल याद करने हैं कि कब किसके काल में कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ था तो उस गवर्नर जनरल का भी नाम पता होना चाहिए तो देखो भारत में कोई भी शुभ इवेंट या कोई शुभ मौका या कुछ ऐसा फंक्शन हम करते हैं तो क्या बजाते हैं डफ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है तो क्या बजेंगे डफ अर्थात डफरिन तो याद करना इजी रहेगा ना एक छोटी सी ट्रिक है आप भी आजमा के देखना मैंने इसी तरीके से याद किया था इसे अब बात करते हैं 1905 1905 के 1905 में अंग्रेजों ने फिर दिखा दिया कि हम कितने क्लेवर भी हैं और कनिंग भी हैं। उन्होंने बंगाल विभाजन किया और कहा क्या कि बंगाल बहुत बड़ा है एरिया में और इस पे शासन को के कार्यभार को संभालना हमारे लिए इजी नहीं है तो हम इसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं लेकिन असल वजह उसके पीछे क्या थी बंगाल विभाजन के पीछे कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाए और इसीलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था तो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया ये हमारे सामने एग्जाम्पल है कि हिंदू मुस्लिम्स में आपस में किस तरीके से लड़ाई झगड़े करवाए जाएं कि ये आपस में ही लड़ते रहें तो इसका एक सीधा सीधा उन्होंने बंगाल विभाजन तरीका निकाला और यहां पे कौन था लॉर्ड कर्जन याद रह जाए इसके लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है चीजों को लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के टाइम पे गवर्नर जनरल अब देखिए 1906। अब क्योंकि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है तो कहीं ना कहीं ये बीज तो रोप ही दिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हों तो मुस्लिम लोगों ने भी अपनी मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली 1906 में देखिए इन्होंने एक बीज रोपा और उसका पौधा भी उगाया है एक ही साल में 1905 में उन्होंने एक कोशिश की और 1906 में उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया कि फूट डालो राज करो की नीति सफल हुई उनकी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और आप सभी को पता है कि इसी मुस्लिम लीग ने भारत के पार्टीशन में बड़ी भूमिका निभाई थी इन्हीं के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था मुस्लिम लीग की ही मांग थी कि हम एक राष्ट्र में नहीं रह सकते और देखिए इनकी फूट डालो राजकरों की नीति सफल हो गई 1906 याद रखना है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना सोचे जिसकी वजह से आज तक बॉर्डर पे इतनी अशांति है एक मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान बनाना पड़ा और आज तक हम उसके हर जाने भुगत रहे हैं तो क्या वो सन आपको याद नहीं रहनी चाहिए रूट्स पता रहनी चाहिए तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी अब बात करते हैं उन्नीस देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई नहीं हुई थी आपस में विचारधाराओं के तहत हिंदू दल भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो चुके थे जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कंटिन्यू देखिए जब तक भारत में गांधी जी नहीं आ जाएंगे ना तब तक ये फूट डालो राज करो की नीति को भारतीय लोग अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे ये दुख और विडंबना की बात है ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने उनकी नीति को एक्सरसाइज कर लिया नहीं ये बहुत गलत बात है मगर हमने किया ऐसा आप देख सकते हैं 1905 में बंगाल विभाजन उन्होंने किया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1907 में हमारे ही नरम दल और गरम दल के लोग आपस में विचारधाराओं को लेकर के लड़ाई हो गई तो सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से नरम दल के लोगों ने अलग काम करना स्टार्ट कर दिया था गरम दल के लोगों ने अलग काम करना स्टार्ट कर दिया था आपको पता है गरम दल में हम हमेशा लाल पाल बाल को पढ़ते हैं लाल पाल बाल। लाला लाजपत राय विपिन चंद्र पाल और बाल गंगा धर तिलक और नरम दल आपको पता है जब अठारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इस संगठन के जो लोग थे वो अपनी दैनिक दिनचर्या फॉलो करते थे व्यापार करते थे अपना बिजनेस करते थे जो भी उनका काम था उन्होंने वो नहीं छोड़ा था याद रखना भगत सिंह की तरह सभी लोगों ने अपने काम को छोड़कर सिर्फ देशभक्ति इस सन तक तो शुरू नहीं की थी 1907 तक तो हर इंसान इस संगठन की जब भी मीटिंग होती थी तब वो लोग आ जाते थे और अपनी विचारधारा पे बातचीत कर लेते थे कि हमें अंग्रेजों से किस तरीके से अपनी बातें मनवानी है देखिए 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गए नरम दल में फिरोज शाह मेहता साबुन वाले जिनके लिए हंसते हंसने के लिए कहा जाता है क्योंकि उनका व्यापार वैसा रहा होगा तो फिरोज शाह मेहता जैसे कुछ लोग नरम दल में थे अब देखिए 1909 अंग्रेज टाइम टू टाइम हमारे ऊपर सुधार करने के नाम पे एक्ट लाते रहेंगे और यहां तक आते आते देखो आप एक्ट में दो लोगों के नाम देखते हो मार्ले मिंटो सुधार आपको पता होना चाहिए मार्ले जो है वो हमारे सचिव हैं जो ब्रिटेन की संसद में बैठते हैं और मिंटो जो हैं वो भारत में रह करके गवर्नर जनरल की भूमिका में रहकर वायसराय की भूमिका में रह करके यहां पे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो 1909 में आ गया है मार्ले मिंटो सुधार और 1911 में ये एक ईयर है क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन हम गाते हैं उसे फर्स्ट टाइम 1911 में दिल्ली दरबार के समय ही गाया गया था और ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने था दिल्ली दरबार 1911 में हुआ और इस पे एक बम कांड भी हुआ था जिसके बारे में बात करेंगे कि कैसे दिल्ली दरबार को हम लोगों ने अंग्रेजों की क्योंकि दिल्ली दरबार में देखिए अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को बना दिया है इससे पहले अंग्रेजों का शासन जो है सेंटर जो है उनके शासन का वो दिल्ली नहीं था अब दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हो गई है 1911 में याद रखिएगा 1911 दिल्ली दरबार दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हो चुकी है 1914 सौ यहां से शुरू होता है एक अलग तरीके का मूवमेंट स्ट्रगल भारत की आजादी का क्योंकि गांधी जी आ गए हैं और गांधी जी अपनी चीजों को एक्सरसाइज करके आए हैं कहां पे दक्षिण अफ्रीका में आप सभी को पता है उन्होंने सत्याग्रह का जो नारा दिया था सत्याग्रह को जो अपनाया था उसकी एक्सरसाइज वो दक्षिण अफ्रीका में करके आ रहे हैं कहा भारत में और इस टाइम पीरियड को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि यहां तक आते आते ब्रिटेन की कॉलोनी हर कॉन्टिनेंट में थी आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा 1914 से 1918 और इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भी जोर शोर से भाग लेगा आपको पता है और अगर ब्रिटेन भाग लेगा तो क्या जो हम पे शासन कर रहे हैं अंग्रेज और वो वर्ल्ड वार में भाग ले रहे हैं तो क्या इसका इंपैक्ट भारत पे नहीं आएगा आएगा भारतीय लोगों को भी ये वर्ल्ड वार में सेना के रूप में ले जाने के लिए आग्रह करेंगे और इस आग्रह का गांधी जी इस आग्रह को मान लेंगे गांधी जी कि हाँ भाई अंग्रेजों के साथ सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजों के लिए वर्ल्ड वार में भारत को भी हिस्सा लेना चाहिए और भारत भी हिस्सा लेगा हमारे सैनिक भी जाएंगे वर्ल्ड वॉर के लिए जो कि 1914 से 1918 तक चलेगा और इसी सिनेरियो को उन्नीस से उन्नीस में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तब के सिनेरियो से भी हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था और भारत पे क्या इंपैक्ट आया था अब देखिए 1914 में गांधी जी भारत आ गए हैं अब गांधी जी के भारत आते ही टाइमलाइन इसलिए जरूरी है अगर आपको पता रहेगा कि गांधी जी उन्नीस में भारत आए थे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये स्टोरी ध्यान रह जाएगी कि गांधी जी के भारत आने से पहले यहां पे फूट डालो राज करो की नीति अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे भारतीय क्योंकि हमें देखने को क्या मिल रहा है 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 नरम दल गरम दल अलग हो चुके हैं 1914 में गांधी जी के आते ही 1916 के अंदर लखनऊ समझौता होगा किस किस के बीच में कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी स्थापना अठारह में हुई है और मुस्लिम लीग जो अभी अभी बनी है 1907 यानी कम से कम कांग्रेस इतनी पुरानी तो है लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो जाएगा गांधी जी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमिका हर समझौते में रहेगी 1914 के बाद भारत में अगर कुछ घटित होगा भारतीयों के द्वारा तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गांधी जी की रहेगी अब देखिए 1919, फिर से इस सन में तीन महत्वपूर्ण काम होंगे पहली चीज अच्छा 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना हो गई है लखनऊ समझौता तो हुआ ही है साथ में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो गई है अब देखिए सौ ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड फिर से वही दो नाम आपको पता है एक हमारा सचिव है एक हमारा वाइस राय है इन्होंने फिर एक सुधार हम पे ले आए हैं मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अब देखिए रोलेक्ट एक्ट भारत में आ गया है और इन्हीं सब के कारण बैसाखी के दिन अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे अब कह कहा यह जाता है हम भारतीय यही कहते हैं कि वो बैसाखी के लिए इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों का यह मानना था क्योंकि जनरल डायर ने बहुत बेरहमी से वहां पे गोलियां चलाई थी तो उनका ये कहना था कि नहीं वो किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे उस मीटिंग में कुछ ऐसा ही निर्णय होने वाला था इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने ऐसा एक्शन लिया जलियावाला बाघ हत्याकांड रीजन चाहे जो हो लेकिन नरसंहार इस तरीके से होना अपने आप में मानवता के लिए एक बहुत निराशाजनक है तो 13 अप्रैल वो दिन था आपको डे भी ध्यान रहना चाहिए 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ जनरल डायर ने ये आदेश दिया कि इन पे अंधाधुन गोलियां चलाओ और आपको पता है कि हमारे कितने भारतीयों की जान उसमें गई थी इसकी निंदा गांधी जी ने भी की थी और इसकी इसी कांड के तहत इससे निराश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वापस अंग्रेजों को लौटा दी क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक वास्तविक वैश्विक मानवता इसका पाठ पढ़ाते थे और सोचे वैश्विक मानवता पे जो इंसान कह रहा है वो ऐसे नरसंहार को बर्दाश्त कर ले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए यह भी याद रहेगा इसी घटना से जुड़ी हुई बात है कि नाइटहुड की उपाधि कब रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी तो जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद अब बात करते हैं 1919 से आगे की टाइमलाइन की 1919 के उन्नीस के रोलेक्टेक्ट और जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1914 से 18 तक के समय में जो गांधी जी अंग्रेजों से सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों के साथ और भारतीयों को इस बात के लिए मना रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग सेना में भर्ती हों और ब्रिटिश लोगों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें वही गांधी इन 1919 की दो घटनाओं से इतने निराश हुए कि उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया अब देखिए आंदोलन बहुत सही तरीके से चल रहा था परंतु 1922 में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पे भीड़ जो गांधी जी की आज्ञा का पालन तो कर रही थी परंतु अहिंसा का पालन नहीं कर पाई और एक छोटी सी हिंसा वाली घटना घटित हो गई कि चोरी चोरा नामक जगह पे एक पुलिस की चौकी को जला दिया गया भीड़ के द्वारा इस हत्याकांड को हमने चोरी चोरा हत्याकांड इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कुछ 20-22 लोगों की जल करके मृत्यु हो गई थी गांधी जी इस बात से इतने आहत हुए कि मेरे असहयोग आंदोलन को एक हिंसात्मक रूप दे दिया गया है और उन्होंने ये निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को तुरंत रोका जाए बहुत सारे लोग इस पक्ष में नहीं थे गांधी जी के इस विचार के कि जो अठारह की क्रांति में इतने लोगों ने अपनी जान गवाई थी सिर्फ 22 लोग 22 लोग वैसे कोई संख्या में कम नहीं होते लेकिन ये बात चल रही है आजादी के आंदोलन की और आप जानते हैं कि एक देश की आजादी के आंदोलन में 22 लोगों की जान चले जाना और गांधी जी का इतना बड़ा आंदोलन रोक देना बीच में ही तो इस विचारधारा से बहुत लोग आहत हुए थे कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया अब देखिए 1919 के रोलेक्ट एक्ट का जो 10 साल बाद एक कमीशन बना करके उन रिफॉर्म्स का जायजा लेने के लिए कि क्या क्या रिफॉर्म्स भारत में हुए हैं जो रोलेक्ट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन करवाना चाह रहे थे सुधार वो कितने हुए हैं इसके लिए उन्नीस में तो ये साइमन कमीशन बना कहा बनेगा ब्रिटेन में क्योंकि अब तो अपना हर काम ब्रिटेन के संसद के थ्रू हो रहा है वहीं से एक्ट पास होते हैं फिर भारत आते हैं तो देखिए 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आएगा साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं हालांकि इसमें सात लोग थे और सातों अंग्रेज अधिकारी थे लेकिन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये सात लोग आ रहे थे इसलिए हम इसे साइमन कमीशन कहते हैं अब साइमन कमीशन एक चीज तो कि उन्नीस के बाद 10 साल पूरे होते हैं उन्नीस में और साइमन कमीशन एक साल पहले ही भारत में आ रहा है यानी ब्रिटिश लोगों ने तो अपनी पहली जो वादा था उसी को नहीं निभाया है कि 10 साल के बाद भाई दूसरा कमीशन आएगा इन रिफॉर्म्स को देखने के लिए दूसरी चीज साइमन कमीशन का विरोध क्योंकि हम लोग रोलेक्ट एक्ट के जो नियम थे जो कानून थे जो उसमें चीजें बातें जो भारतीयों के लिए बनाई गई थी उनसे हम वैसे भी आहत थे वो हमारे फेवर की नहीं थी और ऊपर से साइमन कमीशन आ रहा है तो ये भारतीयों के विरोध करने का एक बेहतर मौका था क्योंकि 1920 के असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने रोक दिया है अब 1928 में फिर से जन आंदोलन होगा और गो साइमन गो के नारे लगाए जाएंगे और इसमें एक घटना जो घटित होती है कि साइमन कमीशन के वापस जाने के लिए नारे लगाते समय लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या हो जाती है लाला लाजपत राय और ये हमारे क्रांतिकारियों के लिए हमारे आंदोलन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था बहुत निराशाजनक ये सूचना थी कि लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई है हालांकि उन्होंने लाठियां बरसाई थी और इस वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और वो इसके दस दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी दस दिन तक वो हॉस्पिटलाइज थे लेकिन कारण तो यही था कि वो इसका विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी और इसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है इस बात का प्रभाव भगत सिंह पे अच्छा खासा आया क्योंकि भगत सिंह कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था गरम दल में लाल पाल बाल हैं और आप भी जानते हैं कि भगत सिंह नरम दल की तरह काम नहीं करना चाहते थे क्रांतिकारी वीर पुरुष थे तो क्रांतिकारियों के साथ गर्म दल के साथ ही ज्यादा उठते बैठते थे उन्हीं की विचारधाराएं अपनाते थे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह को भी ठेस पहुंची और इसके विरोध में उन्नीस में जो असेंबली थी उसके अंदर जहां सारे अंग्रेज मौजूद थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक बम गिराया हालांकि उस बम के गिराने के पीछे कारण सिर्फ यही था कि अंग्रेज अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं वो बहरे हो चुके हैं उन्हें जगाने के लिए हमने एक धमाका किया है और इस बम से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी उस असेंबली में ये बम गिराया गया था और वो रोज जाहिर कर रहे थे किस चीज का लाला लाजपत राय की मृत्यु का तो याद रखना है उन्नीस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम गिराया टाइम लाइन की इम्पोर्टेंस एक बार फिर मैं बता देती हूं दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं हो सन के अंदर क्यों क्योंकि अगर एक बात याद रह जाएगी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी तो ये ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगा कि भगत सिंह ने रोस में आकर के या उस ब्रिटिश शासन की बहरी सरकार को जगाने के लिए क्या किया था तो जस्ट नेक्स्ट ईयर उन्नीस में बम गिराया था 1930 सौ सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया इसको शुरू करने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा नमक जैसी आधारभूत एसेंशियल वस्तु पे भी कर लगा दिया गया सोचो हम भारतीय अपनी ही जमीन पे अपने ही खेतों में नमक भी नहीं बना सकते और वो नमक हमें खरीदना पड़ेगा अंग्रेजों से और वो नमक को जो प्राइस नॉर्मली नमक के होते हैं उससे बढ़ा के ही टैक्स लगाकर ही हमसे वसूल करते थे तो सोचिए ये बात तो रोस में आने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है ये छोटा सा दिखने में लग सकता है कि एक नमक के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया पर आप सोचिए इतने करोड़ भारतीय जो अपनी ही जमीन पे अपने ही खेतों में नमक तक नहीं उपजा सकते तो ये कितनी बड़ी बात है एक ऐसा ब्रिटिश हुकूमत हम पे हावी है कि हम हमारे ही खेतों में हमारी मनचाही फसलें नहीं उपजा सकते तो सोचे इसके लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उन्होंने खुद जाकर के इस कानून को तोड़ा उन्होंने खुद नमक बनाया कितने लोगों को लेकर के वो पहुंचे थे दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी ये टाइम चल रही है मैं बार बार आप लोगों को रिकॉल करवा रही हूं कि ये टाइमलाइन चल रही है ताकि कोई ये ना समझे कि मैं चीजों को स्किप कर रही हूं नहीं मैं कुछ टाइमलाइन के कुछ सन को आपको टिप्स पे करवाने के लिए कुछ छोटी छोटी स्टोरीज बता रही हूं ताकि एटलीस्ट पचास साठ सन आपके टिप्स पे रहें और बाकी का स्ट्रक्चर जब ये फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उसके अंदर बाकी चीजों को डाल सकते हैं ठीक है उन्नीस और इकतीस का ये जो समय है इसमें हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन अब ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश लोगों के बुलाने के पीछे बहुत सारे कारण थे पहली चीज उन्हें लग रहा था भारत में आंदोलन जोर शोर पे चल रहे हैं गांधी जी जो अभी तक हमारे फेवर में थे अब उन्होंने भी असहयोग सभी नये अवज्ञ आंदोलन जैसे आंदोलन चला रखे हैं। गरम दल पहले से ही उनके लिए एक रोड़ा था ठीक है कुल मिला के और ऊपर से एस सी के लिए अम्बेडकर ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग अपनी अलग डिमांड कर रही है कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग रहा था कि हमारे शासन पे कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं इनको निपटाने के लिए उन्नीस सौ में हिंदू महासभा को भी अंबेडकर को भी मुस्लिम लीग को भी गांधी जी को भी कांग्रेस को भी सभी को इनविटेशन मिला कि आप लोग आइए हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है और गोलमेज सम्मेलन पहली फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो बुलाई गई एक गोलमेज के लिए मैं एक अच्छा सा किस्सा सुनाती हूं आप लोग सोचे कि गोलमेज सम्मेलन ही क्यों बुलाया गया इसका कुछ और नाम भी रखा जा सकता था कुछ भी नाम जैसे अभी तक भी तो कुछ रोल एक्टेक्ट साइमन कमीशन अलग अलग नाम आ रखे थे तो जो वहां पे गोलमेज सम्मेलन जो भी इस इवेंट को हेड कर रहा था जो चेयर पर्सन था उसके नाम पे इस सम्मेलन का इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा जा सकता था देखिए इसके पीछे एक बड़ा रीजन जो मुझे साइकोलॉजिकली समझ आता है वो ये है कि राउंड टेबल पे आप महसूस करोगे कि कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हेड ऑफ द पर्सन पर्सन या पर्सन किस जगह बैठा हुआ है और किसी जैसे हिंदू महासभा या अंबेडकर या गांधी जी को यह नहीं लगेगा कि मैं उस पर्सन के पास बैठा हूं और दूसरा व्यक्ति बहुत दूर बैठा है यानी बहुत बार इस चीज के लिए भी जनरली लड़ाई हो जाती है कि मैं कहां बैठूंगा कोई कॉन्फ्रेंस कोई मीटिंग हर कोई खुद को तवज्जो देने के लिए हेड पर्सन जो लीड कर रहा है उस कॉन्फ्रेंस को उसके पास बैठना चाहता है उसे लगता है यही वीआईपी सीट है इन सब झमेलों को हटाने के लिए कि कहीं मुद्दा इस प्राइमरी स्टेज पे ही ना अटक जाए कि किसको कहाँ जगह दी गई है तो इसे राउंड टेबल पे स्टार्ट किया गया और इसीलिए इसका नाम भी गोलमेज सम्मेलन रख दिया क्योंकि अगर टेबल रेक्टेंगल होती तो कहीं ना कहीं उसका एक पर्सन बैठता और बाकी लोगों में ये झगड़ा होता कि उस हेड पर्सन के पास कौन बैठेगा कौन इतना वीआईपी है कि उसी के पास बैठा जाए तो एक झगड़े को तो अंग्रेजों ने दिमागी रूप से खेल करके खत्म कर दिया लेकिन हमारे झगड़े इतने छोटे नहीं थे कि पहले ही गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते नहीं हम भी अच्छे खासे रिजिट तो हैं ही चलिए 1930 का जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी नहीं गए थे गांधी जी उपस्थित नहीं थे 1931 के अंदर क्योंकि गांधी जी ने तो अपना अवज्ञा आंदोलन छेड़ रखा था ना और उसके लिए उन्होंने पहले ब्रिटिश शासन को न्यूज़पेपर के, के माध्यम से लेटर के माध्यम से चेतावनी भी दी थी कि या तो आप नमक पैसे टैक्स हटा लो वरना और उस टाइम देखिए इरविन इरविन क्या है हमारा वायसराय है तो उन्होंने इरविन को लेटर भी लिखा था कि देखिए आप नमक पे से ये जो कानून जो टैक्स जो आपने लगा रखा है इसे हटा लीजिए और बाकी ग्यारह सूत्री मांगों को भी रखा था जिसमें किसान वर्ग के लिए भी मांगे थी व्यापारी वर्ग के लिए भी मांगे थी और एक आम आदमी के लिए भी मांगे थी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले ग्यारह सूत्री मांगों का एक लेटर अपने खुद के यंग इंडिया न्यूज में भी छपवाया था और इरविन को लेटर के माध्यम से भी चेतावनी दी थी कि या तो आप हमारी ग्यारह सूत्री मांगों को मान लीजिए वरना मैं सविनय वैज्ञान आंदोलन करूंगा मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने सविनय वैज्ञान आंदोलन कर दिया और देखिए अब गांधी इरविन पैक्ट होगा 1931 में समझौता हुआ कि गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे गांधी जी गए भी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन पहुंचे अब देखिए एक सम्मेलन से इतने मुद्दे कैसे सुलझ सकते थे तो 1932 के अंदर थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा थर्ड गोलमेज सम्मेलन और यहीं पे पूना पैक्ट भी हुआ है पूना पैक्ट आपको मैं बता दूं गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था और पूना पैक्ट क्यों हुआ था ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि अंबेडकर एस सी के लिए अलग से चुनाव का प्रावधान चाहते थे वो चाहते थे कि एस सी के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए और उन्हीं पे सिर्फ एस सी ही इलेक्ट हों और गांधी जी का मानना था कि यदि अंबेडकर आपने ऐसा कर दिया तो एस सी कभी भी जनरल वर्ग के बराबर आकर के नहीं बैठ पाएगा जो भेदभाव आज चल रहा है वही फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा और इसीलिए और आपको पता, पता ही है कि गांधी जी अपनी बात मनवाने में बहुत होशियार थे उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया अंबेडकर से और पुनः पैक्ट हो गया गांधी जी और अंबेडकर के मध्य और अंबेडकर जी मान गए कि ठीक है एस सी को अलग से सीट आप मत दीजिए अब देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम हम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करके एक और अधिनियम लगा दिया गया है भारत शासन अधिनियम इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे पर अभी नहीं 1937 में एक बात ध्यान रखिए भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्यों में चुनाव होने थे और उस समय भारत में 11 राज्य थे 1937 के अंदर उन 11 राज्यों में चुनाव हुआ कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया और 11 में से सात राज्यों में कांग्रेस जीत गई याद रखिएगा इस बात से मुस्लिम लीग बहुत आहत हुई थी बहुत ठेस पहुंची थी मुस्लिम लीग को और कहीं ना कहीं उन्हें इंटरनली लगा कि ये हिंदूवादी राष्ट्र बनेगा भारत अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे तो अगर हमने हमारी मांगों को पूरा नहीं करवाया तो तो हम पे हिंदू शासन रहेगा ऐसा इस बात से उनमें और भी ज्यादा गहरा प्रभाव आ गया था इस बात का कि ये हिंदू शासन का भारत रहेगा और क्योंकि 11 में से सात राज्यों में तो अभी कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस में सबसे ज्यादा हिंदू हैं ठीक है 1938 की घटना को देखते हैं हरिपुरा सम्मेलन ये सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बहुत होनहार नेता सुभाष चंद्र बोस जो कि हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे और इसमें उनके सामने कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे थे पट्टा भी सीतारमैया और गांधी जी का एक स्टेटमेंट आप के आश्चर्य करेंगे कि गांधी जी ने कहा अगर पट्टा भी सीतारमैया की हार होती है इनडायरेक्टली रूप से कह दिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतता है तो ये गांधी की हार होगी पट्टा भी सीतारमैया की नहीं सोचिए सुभाष चंद्र बोस वो भी क्रांतिकारी थे वो भी भारत की आजादी चाहते थे और गांधी भी भारत की आजादी चाहते थे लेकिन दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती थी इसी वजह से इस हरिपुरा सम्मेलन में जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था इस बात से गांधी जी थोड़े रुष्ट हो गए थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही हुए होंगे क्योंकि स्टेटमेंट इतना हेवी दे दिया था अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जब यह महसूस किया कि ये गांधी जी की हार हो गई है और उस समय कांग्रेस में कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी जिसमें चौदह सदस्य होते थे उसमें से बारह सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि जब गांधी जी की हारी हो गई है तो हम कांग्रेस में रहकर क्या करेंगे इस बात से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस हरिपुरा सम्मेलन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था ठीक है ये बात आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी इस इतने बोरियत के माहौल में कि कहा हम सन को याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं अब देखिए उन्नीस अब 1938 के बाद ये वो टाइम आ गया है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है 1938 के बाद उन्नीस से 1945 सौ पैंतालीस सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है और मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी आपको बताया था कि जब जब वर्ल्ड वॉर होगा क्योंकि ब्रिटेन इतना ताकतवर इतना शक्तिशाली है कि हर कॉन्टिनेंट में उसकी कॉलोनीज हैं तो वो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा क्योंकि वो खुद एक शक्तिशाली राष्ट्र है और वो हिस्सा लेगा तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भारत पे डेफिनेटली आएगा और भारत पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इंपेक्ट था अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और भी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा उन्नीस क्रिप्स मिशन भारत आया अब आप घटना को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि 1942 ईस्वी की बात चल रही है उन्नीस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है जिसमें अंग्रेज जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और आपको पता है कि उन्नीस से 1941 के मध्य इन दो सालों में ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में हार रहा था और जर्मनी जीत रहा था स्टार्टिंग का सिनेरियो ये था अब ब्रिटेन पे एक तो वर्ल्ड वॉर में हारने का भय चल रहा था ऊपर से हमारे जितने आंदोलन और हमारे भारतीय लोग जितने एक्टिव फॉर्म में आ रखे थे उस समय तक आजादी को लेकर के तो अंग्रेज लोगों को ये लग रहा था कि 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाए भारत में तुरंत इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में ताकि हम भारतीयों को आंदोलन से क्रांति से रोक पाएं क्योंकि अगर भारत में अब कोई रोस उत्पन्न होता है इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम उसे दबा नहीं पाएंगे और हमें क्विट करना पड़ेगा इंडिया और यह दबाव कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया से भी ब्रिटेन पे चल रहा था कि अगर हमें वर्ल्ड वॉर जीतना है तो भारतीयों को खुद के पक्ष में लाना पड़ेगा अगर भारतीय विपक्ष में रहे तो हमारी हार निश्चित है वर्ल्ड वॉर के अंदर और सोचिए अगर उस समय भारत ने ये ठान लिया होता कि वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन हारना ही चाहिए सोचो आज वर्ल्ड का सीनेरियो कितना अलग होता राइट ये जो कैपिटलिज्म है ये ये सब कुछ शायद इतना हावी ना हुआ होता खैर जो भी है 1942 में अंग्रेजों ने भारतीयों को उलझाए रखने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा था ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन में उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेट देने की बात की जो डोमिनियन स्टेट हम 1928 में मांग कर रहे थे और उन्नीस में तो आपको याद होगा कि 1929 का जो टाइम था इसमें तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पे ये कह दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे पूर्ण स्वराज सोचिए और 26 जनवरी डेट तक डिसाइड कर दी थी आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इसीलिए नवंबर में संविधान बन जाने के बावजूद उन्नीस के उस अधिवेशन की जो डेट थी उसको हम एक्सरसाइज करना चाह रहे थे कि नहीं जो डेट हमने सोची थी उन्नीस में वही हमें रखनी है तो हमने हमारा संविधान बनने के बावजूद उसे लागू करने के समय वही डेट रखी 26 जनवरी देखिए हम अपनी क्रांतिकारियों की भावनाओं को कितना अपने दिल में सजोए रखना चाहते थे कितनी उनकी जो बलिदान था उनका जो स्ट्रगल था उसे हम हमेशा याद रख पाए इसीलिए हमने ऐसा किया तो कितनी अच्छी बात है अब देखिए 1942 सौ क्रिप्स मिशन भारत आ गया हमें डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहा है जो डोमिनियन स्टेट हमने 1928 से पहले मांग की थी अब उसको लेकर के हम क्या करेंगे उन्नीस से तो हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और अभी भी अंग्रेज इस बात पे नहीं कोई हामी भर रहे हैं कि हम आपको वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी दे देंगे या पूर्ण स्वराज दे देंगे अभी भी वो डोमिनियन स्टेट पे अटके हुए हैं तो क्रिप्स मिशन का विरोध फिर से शुरू हुआ गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा नेहरू ने कहा कि ये तो थाली में कंकड़ी परोस दी है तो हर किसी ने इस चीज को उपमा दी कि यह हमें बेवकूफ बनाने वाली बात है और हर कोई अंग्रेजों के मंसूबे को समझ गया था तो क्रिप्स मिशन का हमने विरोध किया और इसी विरोध के चलते आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन एक चीज और बता दो यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने लीड किया था उसे रेगुलेट कौन कर रहा था तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता ने उसे रेगुलेट किया था जनता लीड कर रही थी क्योंकि सारे लीडर्स जो थे वो रातों रात जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन अनाउंस हुआ उसी रात को 12 बजे तक अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया था या नजरबंद कर दिया था तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो भारतीय लोगों के द्वारा ही लीड किया गया था उन्हीं के द्वारा वो आंदोलन किया गया था 1946 में अब बात आती है वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है उन्नीस से 45 अब ठीक है कि 1946 में अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में हम और ज्यादा नहीं रह सकते तनाव बढ़ता जा रहा है उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और आपको पता है 1947 में 3 जून को विभाजन संसद में ब्रिटिश संसद में स्वीकार कर लिया गया था जुलाई में भारत की आजादी का एक्ट पास हो गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त को हमें यानी भारत को आजादी मिल गई अब क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हिस्ट्री को उन्नीस की आजादी तक ही सीमित नहीं रखेंगे 2020 में जो वैश्विक लड़ाई हम कोरोना को लेकर लड़ रहे हैं वहां तक की घटनाओं की मैं बात करूंगी और वहां तक की घटनाओं को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाएगा आपके साथ तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि उन्नीस के बाद को बाद के इतिहास को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीजें पढ़ें क्योंकि अब हमारे लिए जरूरी हो गया है संविधान सभा पढ़ना और जब तक आप संविधान सभा नहीं पढ़ोगे जो कि कैबिनेट मिशन आ गया है इसके तहत हमने काम करना शुरू कर दिया था तब तक आगे का सिनेरियो क्योंकि अब इतिहास हमारे लिए क्या है कि कौन प्रधानमंत्री चुना गया क्या क्या काम हुए फिर हमारे भारत का उस समय पे इकोनॉमिक स्टैंड क्या था बाकी वर्ल्ड से हम किस तरीके से जुड़ना चाह रहे थे फिर से कॉलोनी ना बनने का भय हम पे हावी था तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन बिना पॉलिटिकल साइंस के ये पॉसिबल नहीं होगा तो उन्नीस की आजादी के बाद की हिस्ट्री में पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाएगा उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस की जाएंगी आपके साथ चलिए तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस टाइमलाइन से कहीं ज्यादा रोचक बनेगा ठीक है तो मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए जय भारत जय हिंद